दिग्रस नगर पालिका प्रशासन की ओर से रविवार को वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें 10,000 की पहली इनामी राशि को राजनंदनी रमेश गौरे ने अपने नाम किया। अंजुमन हाई स्कूल के मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी विजेताओं को मान्यवरों के हाथों इनामी राशि प्रदान की गई। दिग्रस शहर में रविवार को नगर पालिका की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ के नतीजे घोषित किए गए। अंजुमन हाई स्कूल के मैदान पर इनामों की घोषणा के दौरान नगर पालिका के मुख्य अधिकारी शेषराव टाले, नगर अध्यक्ष सदव जहां मोहम्मद जावेद, डॉक्टर रयन शेरे, नगर सेवक सैयद अक्रम, केतन रत्न पारखी, बालू जाधव सहित प्राध्यापक सैयद जहिर आदि मान्यवर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित थे। इस दौरान मान्यवरों के हाथों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रथम पुरस्कार राजनंदिनी गोरे ने अपने नाम किया। उन्हें प्रथम पुरस्कार के स्वरूप में 10,000 रुपए का चेक दिया गया। इस मौके पर राजनंदिनी गोरे ने अपनी खुशी का इजहार किया। वैक्सीन घेतली पाहिजे असं मला वाटलं सुद्धा नव्हतं, माझा नंबर येईल म्हणून। वैक्सीन घेणं काही असं वेगळं काही नाही आहे, लोकांना भीती वाटते की वैक्सीन मरणार आहे असं काही वेगळं काहीच नाही आहे। वैक्सीन घेणं खूप चांगलं आहे, ते आपल्या स्वतःच्या जीवासाठीच आहे, त्यामुळं मला खूप आनंद होत आहे की मला वाटलं सुद्धा नव्हतं की मी याच्यामध्ये येईल बा, मला बक्षीस भेटेल म्हणून। सर्वांनी वैक्सीन घेतली पाहिजे हीच विनंती। इस तरह द्वितीय विजेता सलमा बानो मोहम्मद सादिक को 7,000 रुपए, तृतीय विजेता जेबा अंजुम मोहम्मद शरीफ को 3,000 रुपए और चतुर्थ विजेता महेश देवीदास खरवड़े को 2,000 रुपए और वही पांचवें क्रमांक पर विजेता फिरोज खान नवाज खान को 1,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इस मौके पर नगराध्यक्ष सदव जहां मोहम्मद जावेद ने विजेताओं को बधाई देते हुए लोगों से वैक्सीनेशन के लिए आगे आने की अपील की। वैक्सीनेशन की जो शुरू किए थे डिग्रस में, उसमें डिग्रस के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वैक्सीन ली है और इसके हमारी नगर परिषद ने लकी ड्रॉ रखी थी और उसमें 5 विजेताओं का नाम आज यहाँ पर घोषित किया गया है। सबसे पहले विजेता को 10,000, दूसरे विजेता को 7,000 और ऐसे पाँचों को भी इनाम दिया गया है और इसके लिए मैं डिग्रस की जनता का धन्यवाद करती हूँ और हमारी डिग्रस के नगर परिषद के CEO साहब, हमारी प्रशासन की कर्मचारी टीम का भी और डॉक्टर शेरे साहब का भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगी कि वो कंट्रोल ना मिलेगा या STM में सफ़र नहीं करना, मतलब नहीं करने दिया जाएगा, इस धाक से ये लसीकरण ना ले, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए लसीकरण ले। मैं यही बात दिग्रस के लोगों से अपील करना चाहूँगी। इस मौके पर पालिका मुख्याधिकारी शेषराव टाले ने विजेताओं को शुभकामनाएं देते हुए उक्त इनामी राशि नगर पालिका की निधि से दिए जाने की बात दोहराते हुए आगामी दिनों में इसी तरह के आयोजन के संकेत दिए हैं। आता अपन 2 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर पर्यंत ज्या लोकांनी वैक्सीनेशन करून घेतलं त्यांचा लकी ड्रॉ आता या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। त्याच्यामध्ये 5 लोकांना आपण बक्षीस दिलेले आहे। ही रक्कम जी आहे आपण नगर परिषद निधीमधून प्रदान करण्यात आलेली आहे। तर सर्व विजेत्यांचं मी एक अभिनंदन करतो आणि ह्याच्यापुढे सुद्धा आता अद्यापपर्यंत आपल्याकडे 8 ते 10,000 लोक अजून लसीकरण करून घ्यायचे बाकी आहे। तर अशा प्रकारचा लकी ड्रॉ परत एक नगर जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्या संमतीने पुढे ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल। तरी उर्वरित नागरिकांना आवाहन आहे की त्यांनी सुद्धा इथून पुढे आपले जे राहिलेले लोक आहेत त्यांनी आपलं लसीकरण करून घ्या। नगर पालिका प्रशासन की वैक्सीनेशन बम्पर लकी ड्रॉ को अच्छा खासा प्रतिसाद मिला है। बहरहाल इस इनामी लकी ड्रॉ कार्यक्रम का सूत्र संचालन अश्विन इंगले ने किया। आभार प्रदर्शन बदुकली सर ने किया। वही पालिका कर्मचारी चेतन श्रीवास, इरफान खान, अजय मुजमुए, धीरज रुद्राक्षवार, सचिन इंगले आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए योगदान दिया। BCN News के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।